Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. And in the series of discussing various programs, policies, constitutional provisions and legislations regarding rights of child in India, this is my last video with you all, which is discussing the national programs of India regarding rights of child. Okay. So this lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your general as well as your educational purposes. So national programs, there are lots of national programs which are dealing with the rights of child in India. First of all, midday meal scheme hai, Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the children of working mothers hai, the Shishu Grih Scheme, Integrated Child Development Services jisko ICDS ke naam se jante hain, Sarva Shiksha Abhiyan, SSA, Scheme on Community Based Production of Nutritious Food, Scheme for Working Children in Need of Care and Protection, Pilot Project to Combat the Trafficking of Women and Children for Commercial Sexual Exploitation, Commission for Protection of Child Rights Act 2005, Integrated Program for Street Children, Central Adoption Resource Authority jisko CARA keh rahe hain, aur Integrated Child Protection Scheme jisko ICPS keh rahe hain. Matlab MDM Midday Meal Scheme, bachcho ko achha poshan diya ja sake, jo working mothers hain jinke bachche bachcho ko dekhbhal ki zarurat hai unke liye creche ki suvidha, Shishu Grih Scheme jisme bachcho ko achha ghar mil sake agar unke paas ghar nahi hai, adopt kar sake koi usko, ICDS pe to sari services integrated ho jayengi, Sarva Shiksha Abhiyan unki shiksha ke liye hai, Production of Nutritious Food matlab unko achha poshan mil sake, वर्किंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो काम करते हैं बच्चे यहाँ वहाँ, उनकी सुरक्षा और की जिम्मेदारी, उनकी उनकी सुरक्षा की, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जिनकी आवश्यकता है, कोई अगर ट्रैफिकिंग में फंस गया है बच्चा, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका हो गया है तो उसके लिए क्या करना है, चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया गया है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए क्या प्रोग्राम चलाए जाएँ, एडॉप्शन के लिए कौन अथॉरिटी है जो एडॉप्ट कर सकता है बच्चे को, और प्रोटेक्शन स्कीम का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इतने मैंने कवर किए हैं, दो चार जानबूझकर छोड़ दिए बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो एक एक जल्दी जल्दी कवर करते हैं. मिड डे मील स्कीम क्या है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं, विद ए व्यू टू एनहेंसिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल्स अमंग चिल्ड्रन, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन 15 अगस्त 1995. 15 अगस्त 1995 को जो प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे का एनरोलमेंट बढ़े, वो वहाँ रहे, उस अटेंडेंस उसकी लगे, वो रोज आए और उसका न्यूट्रिशनल लेवल भी सुधारा जा सके, इसके लिए ये स्कीम चलाई गई, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको आप कैसे पोषण के हिसाब से सुविधा दे सकते हैं. तो और 2001 में ये क्या हो गया, MDMS हो गया, कुक्ड मिड डे मील स्कीम हो गया. द स्कीम वॉज फर्दर एक्सटेंडेड इन 2002 टू कवर नॉट ओनली चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स, बट ऑल्सो चिल्ड्रन स्टडिंग इन द एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेशन एजुकेशन सेंटर्स. मतलब 2001 में ये हो गया कि कुक्ड मील दिया जाएगा, 2002 में ये हुआ कि हम सिर्फ गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल्स में नहीं, बल्कि जो एजुकेशन गारंटी स्कीम में बच्चे हैं, जो ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेशन एजुकेशन सेंटर में, सबको मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील दिया जाएगा. फिर राजीव गांधी नेशनल क्रेश स्कीम के 2006 में लॉन्च की गई और कहती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत कि अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज टू वर्किंग मदर्स, वे माएँ जो काम करती हैं, काम काजी हैं, उनके बच्चों को अफोर्डेबल सुविधा देने के लिए, द स्कीम प्रोवाइड्स अ सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन वाइल देयर मदर्स आर एट वर्क. जब माएँ काम पर हैं तो उनके बच्चों को एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरमेंट देने के लिए, बट आई डोंट नो कि ये स्कीम कहाँ चलती है, मैंने कभी इसके बारे में मतलब यथार्थ में नहीं देखा, ऑन पेपर ही है, हो सकता है नहीं बहुत पॉपुलर हुई हो, बट इट इज़ वेरी इंडीड इट इज़ वेरी यूजफुल और बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत माएँ काम करती हैं और उनके बच्चों के लिए वो परेशान होती हैं, उनकी देखभाल नहीं हो पाती ठीक से. फिर शिशु गृह स्कीम, इट इज द स्कीम दैट प्रमोट्स चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया, बच्चे कोई गोद लेना चाहे उसके लिए स्कीम है. दिस स्कीम कम्स अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये ICPS के अंतर्गत आता है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की कमी है बच्चों को, वो उनको टीकाकरण होगा उनका, जो प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इज ए पॉपुलर फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, 1975 में लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विस
फॉर दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. बालक के विकास के संपूर्ण विकास के लिए चलने वाला बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. दिस स्कीम इज यूनिवर्सल कवरिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. देश के हर जिले तक पहुंचा हुआ है जिसमें आप बच्चे को हमको न्यूट्रिशन देना है, उसका टीकाकरण करना है और उसको और सुविधाएं प्रदान करनी है. सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम लोग जानते हैं, ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. 2001 में स्टार्ट हुआ ताकि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको यूईई कहते हैं को प्राप्त कर सकें. इसका लीगल बैकअप आ जाता है जब हम आर्टिकल 21 ए इंसर्ट करते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को हमको फ्री और कंपल्सरी और बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. फिर स्कीम ऑन कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड में कहता है कि हमको सप्लीमेंट्री फूड तो देना है पर हाई क्वालिटी का देना है. वल्नरेबल ग्रुप्स, जो बच्चे जो दिक्कत में हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो है ना जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो माताएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको सबको हमको देना है. द फूड प्रिपेयर्ड एट दीज यूनिट्स इज द रेडी टू ईट आरटीई है टाइप प्रिपेयर्ड विद रोस्टेड सीरियल एंड पल्सेस और फ्रेशली कुक फूड. मतलब हमको अच्छा भोजन उनको प्रदान करना है वो जिन तक उनकी पहुंच नहीं है. और नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो बच्चे जिनको आवश्यकता है जैसे कि जो डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करते हैं, घरेलू सहायता देते हैं, जो रोड साइड ढाबा पे काम करते हैं, जो मैकेनिक शॉप पे काम करते हैं, उनके लिए हमको ये स्कीम है जो एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच के गैप को पाट देगी और उसके उनके दवाओं, उनका भोजन, उनका रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सबके लिए है. फिर पायलट प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. वो बच्चे जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो गए हैं, सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, उन सब के लिए ये स्कीम है. इट इंक्लूड्स नेटवर्किंग विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. ये लॉ से भी जुड़ा हुआ है, मतलब आप कानूनी सहायता भी आपको मुहैया कराई जाएगी. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा आपके लिए, टेम्परेरी शेल्टर आश्रय की व्यवस्था की जाएगी जो विक्टिम है और ये सारा कुछ. फिर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 कमीशन बना इसके लिए. ये है आपका एक्ट आता है 2005 में और 2006 में ये अडॉप्ट किया गया है जिसको NCPCR कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. और ये 5 मार्च 2007 से प्रभावी है भारतवर्ष में. ये क्या डील करता है, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड जितना भी मामला है सबसे ये डील करता है और कैसे उनके जो अधिकार है उनको सुनिश्चित कराया जाए, कैसे उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, सबके लिए ये एक चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाया गया 2005 में. और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, वो बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके जिनके घर नहीं है, वो निराश्रित हैं, उनको कैसे हम विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ए लाइफ ऑन द स्ट्रीट एंड देयर प्लेसमेंट इनटू द नेशनल मेनस्ट्रीम, उनको गलियों से उठाया जाए, मतलब उनको कहीं और हम हमें राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल कर सकें, उनको आश्रय दें, पोषण दें, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा रखें, सैनिटेशन हाइजीन, उनको साफ पीने का पानी, एजुकेशनल रिक्रिएशनल फैसिलिटी, सब कुछ, ताकि जो नेग्लेक्टेड स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनका भला हो सके. और एक कारा है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इट्स मैंडेट इज टू फाइंड अ लविंग एंड केयरिंग फैमिली फॉर एवरी ऑर्फन डेस्टिट्यूट सरेंडर्ड चाइल्ड इन द कंट्री. जितने भी अनाथ बच्चे हैं, निराश्रित हैं, उनके संग कोई मिसहैपनिंग हो गई है, उन सब के लिए ये मैंडेट है कि उनको हम एक लविंग और केयरिंग फैमिली प्रोवाइड कर पाएं, करा पाएं. सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसका नाम है. 1990 से ये चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंतर्गत. और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो कि ICPS है, दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड. यानी कि हमको बालकों के अधिकारों को सुरक्षित भी रखना है और उनकी जो सबसे ज्यादा रुचि जिसमें है वो काम हमको करना है, अब्यूज और क्राइम से बचाना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके तहत काम करता है, सब कुछ, इतना जो भी उल्लंघन हो रहा है बालकों के अधिकारों का उन सबको हमको रोकना है, उनको जो उसको प्रॉपर सजा भी देनी है जो ऐसा कोई काम कर रहा है. इतने प्रोग्राम है जिनकी बात भारतवर्ष में होती है. आप देख रहे हैं उनके उनके टीकाकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए हर चीज की व्यवस्था है. बच्चे परिवार है तो वेल एंड गुड, परिवार नहीं है तो उनको एक परिवार प्रोवाइड करना, अगर उनके संग कुछ दिक्कत हो गई है तो उनको आश्रय प्रोवाइड करना, सबकी बात की गई है. बट यही है बात की जितनी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनते हैं उतने उतनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं. बट ऑन पेपर वी आर सो रिच इन द सेफ गार्डिंग ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन इंडिया. सो आई हैव कवर्ड holistically the rights of child from international perspective as well as from national perspective. Okay, so I have completed the rights of child with all of you. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.